तो ख्याल कुछ ऐसा है, जस्ट अभी ख्याल ही आया। हाँ, जोक नहीं मार रहा था। ओके, तो ख्याल कुछ ऐसा है कि हम नहा धो के बढ़िया फिट होके अपनी एक्सरसाइज भी कर लिए, ज्यादा नहीं, 25 पुशअप मारे, 2 सेट, बस 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 बस। अभी क्या हुआ, बस में आते आते मेरी मॉम के चैनल पर आने वाली है करवा चौथ की ब्लॉग वीडियो, तो उसको ही एडिट कर रहे थे और जस्ट अभी फिनिश हुआ। नहा धो के होने के बाद में ब्लॉग एडिट हुआ और उसको अपलोड करना है सुबह, क्योंकि एडिट कंप्लीट हो गया, प्रोसेस पे है। थैंक गॉड, दूर रहकर वाइफ को मिस कर रहा हूँ। आज हमने किस तरह से अपना करवा चौथ मनाया आपको हम दिखाते हैं, जरा गौर फरमाइए इस वीडियो को। ओके, तो थोड़ी सी झलक आपने देख ली होगी, तो कोई नहीं, अब बाकी की बातें हम सुबह करेंगे, क्योंकि बज रहे हैं 2:18 और ये हो रहा है सोने का टाइम। सब सो रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब रजनीकांत, बाय बाय, मिलते हैं मॉर्निंग में, आगे की बातें पूरी करेंगे, बाय। ये ले जाना भूल गया था, इसको लेके जाना जरूरी है रखने के लिए। Thousand years later. हल्दी वाली मिल्क रेडी है और पहले इसको पीते हैं, जो भी बातें करनी है आज की बातें उसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। तो हल्दी वाली मिल्क और क्या बनाया है स्पेशल वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो एक बार आप गौर फरमाइएगा कि कैसा है। तो अच्छा बना है यार, सुगंध एक नंबर आ रही है, सारे मसाले बराबर डाले थे। अब खाने का टाइम है थोड़ा सा, और नहीं भागने का टाइम है। चलो मिलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आप उन कल से जो हमारा कल बीत गया। तो जैसे ही मेरा ब्रेक हुआ तो किसी ने पूछा था कि आप खाते क्या हो भैया, ब्रेक पे क्या आपको मील वगैरह नहीं मिलता? 1 मिनट। हाँ, तो किसी ने पूछा था कि मील वगैरह नहीं मिलता, हमने बोला हाँ मिलता है। मैंने उसको पूरा बाकायदा बताया कि यस मील मिलता है, क्या क्या मिलता है वो हम आपको दिखाई देते, तो ज़रा देख लो। काफी लोग मेरे को पूछ रहे थे कि तुम्हारा मतलब मील में क्या मिलता है, तो मैं आपको बता दूं मेरे मील में क्या लिया हूँ आज। तो यहाँ पे ठीक है, गिर गया क्या? तो मील में मेरे पास में है ऑरेंज जूस, मेरा एक सैंडविच है, और मैंने घर से 2 अंडे लेके आए थे, एक अंडे पहले खा लिए, और ये 2 अंडे मेरे पास में है, और केचप है। तो ये है बेसिकली सिंपल सा सादा सा। एक बंदा अभी आ रहा है अपना मील खाने के लिए, उसने बनाया लंबा सैंडविच, मैंने कट किया है और उसमें बनाया है चिकन फिले सैंडविच। एक चिकन फिले का पूरा ब्रेस्ट पीस है इसके अंदर, एंड इज गुड फॉर मी एंड प्रोटीन। तो ये बंदा आ गया है, आप देख सकते हैं कॉल अली, ये से शायद ऑरेंज जूस लिया है, बट अपना सिनारियो कुछ ऐसा ही है जो कि मैं ख़त्म करने वाला हूँ, एंड नाउ ही इज गोइंग टू ईट। मुझे भी लगी है भूख, तो मैं भी जा रहा हूँ खाने के लिए। शुरुआत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब खाना खा जाऊँ फिर आपसे मिलता हूँ, फिर बात करते हैं। चलो, तो दिस इज अली, हेलो हाय। चलो खा लेते, ये मार दिया अली ने पहला शॉट, मेरी बारी है, आई एम गोइंग टू हैव। मिलते हैं खाने के बाद। तो आपको देखा ही होगा, तो हमने मील में क्या खाया, मील के दौरान, उसके बाद में क्या हुआ जो सिनारियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इट वॉज अ लवली डे। ओके, लवली डे क्यों कहूँगा, क्योंकि कल वाइफ जी का हमारी करवा चौथ थी, जो हमारे ज़्यादा ही दिल के करीब है, तो हमने उनको ठीक यहाँ के 8:30 लगाया कॉल और पूछा कि हाल चाल क्या है आपका। और एक्चुअली बारी थी चांद देखने की, तो चांद को कैसा देखा गया गौर फरमाइएगा।
तो जी हाँ भैया, तो शायद आपने देख लिया होगा कि क्या सीन था क्या नहीं सीन था, राइट? बढ़िया लग रहे हो आप लोग। ओके, तो ऐसे तैसे एक हस्बैंड और एक अपनी वाइफ से अलग है, 2 सालों के लिए दूर गया है क्योंकि पैसे कमाने जरूरी थे, फैमिली कंडीशन ख़राब हो रखी थी। तो हमने डिसाइड किया कि यार मैं जाता हूँ और मैं जाके पैसे कमाता हूँ, तब तक थोड़ा बहुत घर में पैसे आ जाएंगे। सो जो पैसे की किल्लत है कुछ सालों के लिए टल जाएगी क्योंकि मैं इतना पैसे तो कमा ही लूँगा। फिर उसके बाद में हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि शायद हमारा जो पैसे के लिए खाँव खाँव हो रहा है वो नहीं होगा। सो हम दोनों ये डिसाइड किया है मिल के, हस्बैंड और वाइफ ने, एंड तो ये होना चाहिए कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वाइफ एंड हस्बैंड। ओके, बात रही वो दूर है, मैं भी दूर हूँ, तो दिल है कि मानता नहीं, बात करना भी ज़रूरी होता है घर पर। एंड मेरी माता जी हैं, मेरी सिस्टर हैं, और वेरी लवली यार, कल का दिन मतलब होता तो मैं अच्छा सा बाकायदा ब्लॉग वीडियो शूट करता, और मेरे पास में वीडियो तो आई है, अगर आपको देखना है तो आप वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर मॉम के चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ट्राई करना एक बार, ज़रूर ट्राई देना। अब बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो पसंद आए वो करना। फिर उसके बाद अब आते हैं सीधा मुद्दे पे, मुद्दा क्या होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं यार कि आप मुझे डेली रूटीन बता दो क्या होता है एक स्टाफ का, और अपन बात करने वाले हैं कल की वीडियो में जो होगी अबाउट कैशियर के बारे में, कितना पैसा क्या होता है, किस तरह की जॉब होती है, किस तरह का लाइफ होता है, और वगैरह वगैरह। तो वेट करिएगा, अपन वेट करेंगे कैशियर के बारे में। तो कैशियर का मतलब इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। चलो बात करते हैं डेली रूटीन के बारे में। एक बंदे का बहुत ही लवली कमेंट आया था तो मैं सोचा कि यार इस पर जरूर बना सकता हूँ। डेली रूटीन क्या होता है, नॉर्मली आप उठो, समझ रहे हो, नॉर्मली आप उठो, और आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि यार मेरे को 10 मिनट लेट हो जाएगा तो नहीं मैं नहीं आऊँगा, या फिर मैनेजर ये कर देगा वो कर देगा। भाई साहब, जहाँ आप 10 मिनट भी लेट हो गए तो बस चली जाएगी, और बलिस बस चली जाएगी तो आपका नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि आपको अपने जेब के पैसे से, और यहाँ पे है ना इंडिया में थोड़ी 50-60 रुपये में एक टैक्सी कर लिया तो फटक से पहुँच गया, नहीं जी। हल्दी वाली दूध, ये भूल जाऊँगा ठंडी हो जाएगी। ओके, तो अपन थे 50-60 रुपये टैक्सी कर लिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, तो ऐसा काम नहीं करना है भाई साहब। यहाँ की ये टैक्सी 550 रुपये के बराबर होती है, 2 KD 2.5 KD लगेगा आपको पहुँचने के लिए, मिनिमम 2 KD, 2 KD यानी पता है 500 रुपये। तो ये पैसे सेव करने के लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा, आपका फूड रेडी करना पड़ेगा। अगर आप फूड नहीं खाते हो, मतलब समझ रहे हो, बर्गर पे ज़िंदा रहना चाहते हो और अपनी तबीयत ख़राब करना चाहते हो, तो आप बर्गर के ऊपर जिंदा रह सकते हो, बर्गर इज़ नॉट हेल्थी फूड, समझ रहे हो। हम सारे देसी आदमी भाई साहब, हमें दाल चावल रोटी भाजी चिकन मच्छी मटन ये सब चाहिए, बट समहाउ कल मैंने खाना नहीं बनाया था तो इसकी वजह से मैंने सुबह आज उठा, भाई आज अस्कित नहीं करूँगा, आलस नहीं करूँगा, उठूँगा और खाना बनाऊँगा। तो आई जस्ट मेड माई वेजिटेबल पुलाव, मैंने यूट्यूब पर देखा, सर्च किया फटाफट से और वेजिटेबल पुलाव बना ही लिया। तो ये था मेरे लिए बेनिफिट कि यार बनाया अपना खाना खुद लेके गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, फूड का पैसा नहीं मिलता है यहाँ पर, आप सोचोगे मैं खाना में उधर के बर्गर नहीं खाऊंगा मैं पैसा ले लेता हूँ, नहीं जी, कुछ नहीं, खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, समझ रहे हो, ये जान लो, ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, तो ये होना ही चाहिए। फिर उसके बाद आप ड्यूटी करोगे, ये कभी कदा क्या होता है कि आपकी फिंगर सिस्टम पे लगाना ज़रूरी होता है, अगर सिस्टम पे नहीं लगाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप फ्री में गधे की तरह काम करेंगे। तो मेरे साथ में 1-2 बार हो चुका है, सो मैनेजर वॉज नाइस, 1 महीने में 3 बार अलाउड है, अगर 3 बार भूल जाते हो तो आपका अपसेंट 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 मार दिया जाएगा। अगर आप लोग काम करते जाते हो, फिंगरप्रिंट लगा के भूलते नहीं हो, आपका जैसा चल रहा है वैसा, आफ्टर 9 आवर के बाद में जितने भी घंटे में ओवर करूँगा वो मेरा ओवर टाइम में कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसके लिए मेरे को घबराने की बात ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं फिंगर लगाता हूँ वो पूरा डिटेल्स वहाँ पे शो कर देता है कि भाई साहब आपने इतने बज के इतने मिनट पर इतने सेकेंड पर आपने फिंगर लगाया था, पंच इन किया था, अब आप पंच आउट करने की जिम्मेदारी है। तो यही है बेसिक। फिर उसके बाद में क्या होता है, जाना बर्गर वर्गर बनाना, अपना काम ढंग से करना, कभी कभी होता है मैनेजर की गाली खानी पड़ती है, मैं भी आप लोगों की तरह इंसान हूँ यार,
समझ रहे हो, बहुत गाली खाया हूँ, गाली खा खा कर आपको मेरी इंडिया वाली बात बताऊंगा ना, आप हंसोगे मेरे ऊपर, आप बोलोगे सच में रियल इंसान है, मगर अभी नहीं और कभी बताऊंगा, तो याद रखना वो बातें मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। तो फिर मैं चाहता हूँ कि पहले इस वीडियो ब्लॉगिंग वाले करियर में थोड़ा सक्सेसफुल हो जाए, तब अपनी जिंदगानी आप लोग के सामने खोल के रखें। तब तक जो हम कर रहे हैं उसी में बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें, और बहुत लोगों को है ना यार आना है, किस में आना है, ब्लॉगिंग में, बिंदास योर मोस्ट वेलकम, आज आपकी एज कोई भी हो यार, एक बार स्टार्ट कर देना और फिर देखना कितना मज़ा आएगा, आपको खुद ही फील होगा। इसके अंदर पैसा है, फेम है, मनी है, जो आपको चाहिए सब कुछ है इसके अंदर, मगर थोड़ा स्ट्रगल है, सब धरे हाथ नहीं मिलने वाला, थोड़ा अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, थोड़ा घिसना पड़ेगा, तभी तो हीरा चमकेगा। तो आपका भाई अभी भी स्टिल इन प्रोग्रेस, समझ रहे हो, स्टिल इन प्रोग्रेस, आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर कभी। तो फिर और क्या हो सकती है ये लाइफ है, फिर वापस से आना घर पे, अगर भूख लगी है तो खाना बनाना, नहीं भूख लगी है तो खाली पेट सो जाना। यहाँ पे कबूस आता है जिसे खबूस कहते हैं, दो रोटी होती है, सेम लाइक दिस, ये देखो दिखा देता हूँ, सामने ही पड़ा हुआ है, वाओ, किसी और का है, दिखा देता हूँ, बता रहा हूँ ना, यहाँ पे यही लोग खा के जिंदा होते हैं, ये खबूस है, इसे खा के जिंदा रहना पड़ता है, और ये देखो ये खबूस है, इसे खाओ और ये है लाइफ, इसे खा के रहना पड़ता है, कभी खाना नहीं बना पाया, एकदम सस्ते में मिलता है, फिल्स में मिलता है, 50 फिल्स में 3 पीस आ जाता है, तो इसे खा के जिंदा रहना पड़ता है, तो समझ रहे हो, कभी नहीं बना पाया तो इसे ही लेके जाओ, और सूखी ऊँखी रोटी, और इसको है ना जेल में देते हैं खाना, मगर यहाँ पे सस्ता मिलता है, और यहाँ का वो कबूतर, मतलब यहाँ पे मतलब कल्चरल फूड है यार इनका, तो इन्हें खाते समय चाहिए, सोते समय चाहिए, नहाते समय चाहिए, मतलब जब भी चाहिए चाहिए। और बाकी सब बढ़िया है, बस वीडियो यही समाप्त करूँगा, वरना बहुत लंबी बन जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा हमारी इस वीडियो से, अगर सीखा होगा तो प्लीज़ मोटिवेट रहने के लिए ज़रूर, मुझे मोटिवेट करने के लिए और खुद भी मोटिवेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बीइंग पार्ट ऑफ माय फैमिली। तो इरफान जुनोजो भाई बोलते हैं सीन कुछ ऐसा है, मैंने बोला कि नहीं, मेरे को मेरा खुद का कुछ जाने बनाना है, अब ख्याल कुछ ऐसा है, करते हैं बाय, मिलते हैं बाद में, बाय। I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just. तो कुवैत में लाइफ ऐसी होती है कि खाओ पियो सो जाओ, वापस काम पे जाओ खाओ पियो सो जाओ। तो मेरा दही 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 ये हो जाएगा 100 रुपीस। तो ले लिया है, पूछते कितने का है। तो अपन ने अपनी दही ले लिया है, अब चलते हैं अपने उस वाले अकोमोडेशन पे, वहीं पे जाना है भैया, अब बस आती होगी क्योंकि स्पाइसी ज्यादा बन गया है, तो मैंने बोला कि पुलाव और दही का थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखेंगे कि थोड़े मसाले कम डालेंगे। भैया फर्स्ट टाइम पुलाव बनाएंगे तो ऐसे ही होगा ना, चलो जाते हैं यार, बहुत मजा आ रहा है, धूप लगती है ना तो मेरी आंखें ऐसी छोटी हो जाती है, बट कोई नहीं, अब वीडियो को समाप्त कर दिए हैं तो फिर अब ऐड नहीं करेंगे कुछ भी, अब घर पे बात करेंगे।